फ्रेंड्स, आज इंटरनेट की दुनिया में किसी भी राज को राज रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। हर चीज़ इंटरनेट ने आपकी फिंगर टिप्स पे रख दी है, लेकिन कुछ सीक्रेट्स ऐसे भी हैं जिनको बहुत हाईली गार्डेड किया गया है और उनको आज तक कोई भी एक्सपोज नहीं कर सका। आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 सीक्रेट्स देखेंगे जिनको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है और आज तक एक्सपोज नहीं हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा काम, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गो। दोस्तों, आपने WD-40 का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे इफेक्टिव और फेमस स्प्रे है। ये चीज़ों से जंग उतारने के लिए आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। इसके अलावा बंद चीज़ों को खोलने में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। इसके अलावा घर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, टाइल्स वगैरह पर दाग लगे हों तो इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। शीशे, विंडोज़, डोर वगैरह भी इससे अच्छे से नीट क्लीन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, WD-40 को नॉर्मन लर्सन नामी एक शख्स ने 1953 में इन्वेंट किया। ये स्प्रे इस कदर इफेक्टिव है कि इसके यूज़ के फौरन बाद ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। नॉर्मन का कहना है कि उसने 40 दफ़ा डिफरेंट केमिकल को आपस में मिक्स किया, तब जाकर उसका ये एक फार्मूला सक्सेसफुल रहा। फ्रेंड्स, WD-40 का फार्मूला एक ऐसे बैंक में रखा गया है जहाँ पे सिर्फ एक आदमी जा सकते हैं और वो आदमी भी इस फार्मूले के बारे में कुछ नहीं जानता। कहा जाता है कि इसको 3 मुख्तलिफ स्टेजेस पे बनाया जाता है, मतलब 3 अलग अलग मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इनका आधा आधा फार्मूला तैयार किया जाता है, फिर उन तीनों को मिक्स करके एक स्प्रे तैयार किया जाता है। इसके सीनियर एम्प्लॉइज़ को भी इसका फार्मूला नहीं पता। कोका कोला फ्रेंड्स दुनिया का सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है और जिसे दुनिया के तकरीबन हर शख्स ने ही पिया हुआ है। ये कोई किसी के लिए नया या अनोखा ब्रांड नहीं है, बल्कि ये हर शख्स की पहुंच में है। और ये सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है वो यही है कि इसे हर कोई पी सकता है। फ्रेंड्स, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सेल किए जाने वाला कोका कोला ब्रांड 167 कंट्रीज़ में इस वक्त पिया जा रहा है। फ्रेंड्स, बहुत से ब्रांड्स ने कोका कोला की कॉपी करके ब्लैक ड्रिंक तो इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन कोका कोला की ओरिजिनल रेसिपी उनको आज तक मालूम नहीं हो सकी। सन 1886 में जॉन स्टिफ नामी एक आदमी ने कोका कोला का फार्मूला बनाया और वो खुद भी नहीं जानता था कि उसका ये फार्मूला दुनिया भर में इस कदर फेमस होगा कि इसे सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर मार्केट में सेल किया जाएगा। रिसर्चेस के मुताबिक इसका नाम कोका कोला इसलिए रखा गया क्योंकि इसके ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स कोका लीफ और कोका नट्स होते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया भर में जब कोका कोला इंट्रोड्यूस करवा दी गई, तो जब इंडिया में कोका कोला इंट्रोड्यूस करवाई गई तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अपनी रेसिपी जमा करवाने का हुक्मनामा दिया, लेकिन वहाँ पे कोका कोला सिर्फ इसलिए बैन कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपनी रेसिपी नहीं दी। लेकिन लोगों की डिमांड देखते हुए उन्होंने अपना रूल और अपना आइन चेंज किया और वहाँ पर कोका कोला को इंट्रोड्यूस करवा दिया। फ्रेंड्स, कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला सन ट्रस्ट बैंक के हाईली वॉल लॉकर में रखा गया है जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। और मज़ीद हैरत की बात तो ये है कि इस फार्मूले को 50 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा बाहर निकाला गया है। और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात ये है कि ये फार्मूला दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, जिनमें से अगर एक भी मर गया तो ये फार्मूला उसके साथ ही मर जाएगा। फ्रेंड्स, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला और पसंद किया जाने वाला ब्रांड KFC, इसके बर्गर और बूस्ट का टेस्ट इस कदर यूनिक होता है कि ये दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि इसकी रेसिपी एक दीवार के पीछे लॉकर और उस लॉकर में रखी गई है। और इस कंपनी के 2 चीफ एग्जीक्यूटिव, जिनको सिर्फ परमिशन है इसके डॉक्यूमेंट उठाने की, वो भी इसकी ओरिजिनल रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नहीं जानते। फ्रेंड्स, KFC की रेसिपी को पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये लोग रेसिपी बनाते ही कुछ इस तरीके से हैं। ये अपनी रेसिपी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा कहीं और जाकर तैयार करते हैं, दूसरा किसी और जगह तैयार करते हैं, और फिर इन दोनों हिस्सों को मर्ज करके तीसरा हिस्सा तैयार किया जाता है जिससे फाइनल टच दिया जाता है।